वर्चुअल इमेज के यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस और पार्ट बी में हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों इमेजेस में तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट वो हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस कॉन्केव कॉन्केव लेंस एंड concave लेंस concave लेंस तो आइए बच्चों अब इसमें हम पार्ट वन देख पार्ट ए देख लेते हैं तो अगर हम बात करें बच्चों ए के फर्स्ट पार्ट की यहाँ पर तो हमसे क्या कहा गया है कि हमें डाइवर्जिंग यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस दिखाना है तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है वर्चुअल इमेज बनाने के लिए तो बच्चों हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है तो यहां पर ये यह हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है लेट सपोज और ये इस लेंस की हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर बच्चों हमारे पास इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं पहले हम सो so, ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों ये हमारे पास इसकी सेंट्रल लाइन है लेंस की ये हमारे पास सेंट्रल लाइन है ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ये हमारे पास बच्चों फोकस आएगा जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये फोकस जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे ये टू एफ और ये हमारे पास टू एफ अब बच्चों अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस मीन्स यहां पर तब क्या होता है कि हमारा हमारी जो एक रे ऑफ लाइट है वो इस तरह पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो पास कर जाती है फोकस से फोकस से पास कर जाती है और दूसरी रे ऑफ लाइट बच्चे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाती है कुछ इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं मीट नहीं कर रही हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं इसे वर्चुअली मीट करवा देते हैं इन दोनों रेज ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से हम वर्चुअली मीट करवा देते हैं तो ये क्या होता है हमारी जो इमेज बनती है वो यहाँ पर बन जाती है अगर ये हमारी ए जो इमेज है वो ए बी है तो ये हमारी क्या हो जाएगी जो ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो हमारी इमेज क्या आई है ए डैश बी डैश और ये जो इमेज बनी है बच्चों ये कैसी है ये वर्चुअल है वर्चुअल है जैसा कि हम देख सकते हैं इरेक्ट है इरेक्ट है, है और मैग्निफाइड है मैग्नीफाइड है मैग्नीफाइड आइए बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट के तो अगर हम देखें बच्चों ए के सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है एक डाइवर्जिंग लेंस हम जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस जो होता है बेसिकली एक कॉनकेव लेंस होता है कॉनकेव लेंस सो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है ये हमारे पास बच्चों एक कॉन्केव लेंस है बेसिकली और ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास और यहाँ पर ये इसकी सेंट्रल लाइन है ये ऑप्टिकल सेंटर है ये हमारे पास इसका फोकस है और ये यहाँ पर भी इसका एक फोकस है अगर हम ऑब्जेक्ट को बच्चों यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस पर और वो डाइवर्ज हो जाती है कुछ इस तरह से तो ये जो रे है बच्चों ये हमें कुछ ऐ, ऐसे दिखती है कि ये फोकस पर जाकर मीट कर रही है ये हमें ऐसा लगता है फिर हम क्या करते हैं एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से तो हमें जो इमेज मिलती है बच्चों वो यहाँ पर मिलती है यहाँ पर मिल जाती है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो हमारी इमेज क्या बनी है यहाँ ए डैश बी डैश और यहाँ पर जो इमेज बनी है बच्चों एक ऐसी है इमेज वर्चुअल है जैसा कि हम देख सकते हैं इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है ये डिमिनिश्ड है बच्चों इमेज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। अब बच्चों यहाँ पर हमसे पार्ट बी में पूछा गया है कि दोनों लेंस में यहाँ पर दोनों जो इमेजेस हैं इनमें डिफरेंस क्या है तो यहाँ पर बी में जो बी का जो आंसर होगा बच्चों वो ये होगा कि वन इज मैग्निफाइड इमेज वन इज मैग्निफाइड वन इमेज इज मैग्निफाइड जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनी है वो मैग्निफाइड है मैग्निफाइड है और जो कॉन्केव से बनी है वो डिमिनिश्ड है एंड अदर इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड. तो बस ये बेसिक डिफरेंस है वरना ये दोनों वर्चुअल और इक्टिव इमेज तो है ही Diminished. So I hope you understood it well. Best of luck.